दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई और आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज पर। खबरों में पहले बढ़े इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे इस चैनल को अब डीजी इन पर भी देख सकते हैं और आप DTH पर भी इसे देख सकते हैं। जैसा कि मैं जब भी आपको कोई एक खबर से आपको रूबरू कराता हूं तो वो खबर विशेष तौर पर ही होती है। आज की भी एक खबर विशेष तौर पर ही है। गढ़चिरौली और चंद्रपुर जिला, यहाँ टोटल लिंगर को बैन करके रखा हुआ है। गढ़चिरौली महाराष्ट्र राज्य में दो जिले ऐसे हैं जहां दारू को बंदी करके रखा है, बैन कर दिया गया है। और ऐसी स्थिति में इन जगहों पर सबसे बड़े पैमाने पर दारू बिकती है। जैसा कि हमने अभी हमारा एक सर्वे के दौरान हमने देखा कि गढ़चिरौली जिले में लगभग एक दिन में 5 लाख रुपए की दारू का लोग सेवन करते हैं, जबकि इस जिले में इसे बैन करके रखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार चंद्रपुर जिला जो है, चंद्रपुर शहर या चंद्रपुर जिले में अगर आप देखें तो जिले को भी दारू के लिए बैन करके रखा हुआ है और यहाँ भी कम से कम एक दिन में 11 से 12 लाख रुपए की दारू की बिक्री होती है। अब ये बिक्री कैसे होती होगी? ये सारी बिक्री पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग के सामने की जाती है और उन्हीं की छत्र छाया में यह दोनों जिलों में दो नंबर का यह जो कारोबार है यह फल फूल रहा है। अब इसके पीछे की मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। गोंदिया जिला, यह जो जिला है चंद्रपुर जिले से और गढ़चिरौली जिले से सटा हुआ जिला है, इसके अंतिम छोर पर एक मोरगांव अर्जुनी तहसील है। इस तहसील के जो गांव में ही लगभग कई सालों पहले इस गांव में केवल एक ही बियर बार हुआ करता था। जो वाइन शॉपी होती है वो एक ही थी इसमें, उसका शायद नाम, उस वाइन शॉपी का जो मालिक है वो काफी पुराने तौर से उस वाइन शॉपी को चला रहा था, बियर बार को। लेकिन आज इस जगह राज आर्यन और ऐसे अनगिनत लगभग 8 से 10 बार इस जगह चालू हो चुके हैं और इन बारों के साथ साथ देसी जो शराब होती है वो देसी शराब की भी लगभग इस गांव में 8 से 10 दुकानें हैं और इन सारी दुकानों से और इन सारे बियर बारों से ही माल, जो दारू का जो तस्करी है वो गढ़चिरौली जिले में की जाती है और चंद्रपुर में की जाती है। लगभग अब इस अर्जुनी शहर में ही एक गोंदिया शहर से एक वाइन शॉप जो कि अभी ट्रांसफर की जा रही है, यानी अभी उस जगह नए से उस बार को स्थानांतरित किया जा रहा है। लगभग यह भी कोई जायसवाल की बार है और उसने भी यह कारोबार को, यानी यहाँ से तस्करी के लिए ही वो दुकान शुरू की जा रही है। इस पूरे मामले पर हमने जब इस पूरे मामले की पड़ताल की तो एक वहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता है, जो RTI कार्यकर्ता भी है, बाजीराव तुलसीकर, उनसे हमने इस संदर्भ में चर्चा की, क्योंकि यह शॉप जो है, वाइन शॉप जो है, वो उन्हीं के घर के बाजू में खुली जा रही है और उन्होंने इसमें बहुत अच्छी जागरूकता बताई है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाजीराव रतिराम तुलसीकर। आप किस, आपका जो ये मकान है रेसिडेंशियली मकान, ये कौन से प्रभाग में आता है? मेरा मकान आता है प्रभाग 2 में, अर्जुनी मोरगांव। हाल ही में हमें जानकारी मिली है कि आपके प्रभाग में एक वाइन शॉप जो है वो कहीं बाहर से कोई प्रदीप जायसवाल वगैरह कोई नाम का व्यक्ति है वो यहाँ ट्रांसफर कर रहा है, लगभग आपके घर से 200 मीटर पास दूर है, तो वो वाइन शॉपी के संदर्भ में आपका क्या दृष्टिकोण है कि वो यहाँ लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? नहीं, मेरा दृष्टिकोण ऐसा है कि जब हमें पता लगा कि यहाँ वाइन शॉपी लग रही है, हालांकि अर्जुनी मोरगांव में बियर बार और देसी दारू के दुकानें एक अलग थलग है, लेकिन यहाँ जब पता लगा कि वाइन शॉपी यहाँ हमारे प्रभाग में रोड के ऊपर लग रही है, तो हमारा जो प्रभाग है ये पहले यहाँ लोग रहने के लिए आने के लिए डरते थे, तो आज हालांकि में क्या हुआ कि अभी ये प्रभाग अच्छा हुआ, मकान अच्छे बने, लोग अच्छे आने के लिए तैयार है, मकान बन रहे हैं और रोड पर होने के नाते यहाँ की लेडीज शाम को रात को घूमने जाती है और वाइन शॉपी लगने से, वाइन शॉपी बोले तो एक दारू की दुकान ही है और ये दारू की दुकान ऐसी जगह लगना चाहिए कि जहाँ यातायात ना हो, लेकिन यहाँ रोड के ऊपर वो भी गोंदिया की दारू की दुकान यहाँ ट्रांसफ़र कर रही, ये हम इसका विरोध करते हैं। और मैंने अभी आज ही नगर पंचायत को माहिती का अधिकार लगाया हूँ
तो मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि नगर पंचायत के कुछ नगर सेवकों को मैंने पूछा, जब मेरे को मालूम हुआ कि यहाँ वाइन शॉपी लग रही है, एनओसी दे रहे हैं, तो अभी तक कलेक्टर ऑफिस में एनओसी पहुंची नहीं, ऐसा मुझे पता लगा। लेकिन एनओसी दी गई है, ये कैसी दी गई है, ये नगर पंचायत के सदस्य हो या सीईओ उनको, तो आज मैं नगर पंचायत में गया, वहाँ पूछा, तो 7/6/2019 को वो बोर्ड के ऊपर में एक जाहिरनामा दिखा मेरे को। इसको हो गए 2 महीने, अब 2 महीने के होने के, 2 महीने होने के बावजूद भी नगर पंचायत के नगर सेवकों को ये पता नहीं कि वो जाहिरनामा लगा हुआ है, और हमारे प्रभाग में वो वाइन शॉपी की ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हमारे ही नगर पंचायत नगर सेवकों को पता नहीं है, या ऐसा उनका कहना है कि हमको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, हमको मालूम नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने ये चालू किया हो कि भाई कलेक्टर को इसका एप्लीकेशन करे, कंप्लेन करे कि हमारे प्रभाग में ये वाइन शॉपी ट्रांसफ़र न किया जाए, और नगर पंचायत ने एनओसी दी होंगी तो वो एनओसी उसको रद्द किया जाए, क्योंकि ये प्रभाग के अंदर में गरीब है, अशिक्षित लोग है, और रोज़मर्रा का काम करने वाले लोग हैं। तो ये वाइन शॉपी होने के बाद में यहाँ थोड़ी सी 10-20 रुपये 30 रुपये सस्ती मिलेंगी करके लोग अपनी रोजी रोटी का पैसा, अपने कमाई का पैसा उसमें जाके और ज़्यादा दारू पियेंगे, और यहाँ दांगड़ों होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि अभी भी यहाँ पांठेले लगेंगे, टपरियाँ लगेंगी, तो उसमें कोई अंडे बेचेंगे, कुछ करेंगे, वहाँ कुछ जवान लड़के बैठेंगे, बाहर के लोग आएंगे, वहाँ बैठेंगे, वहाँ दारू पियेंगे पांठेले पे या टपरी के ऊपर में, उसमें लड़कियाँ हो या लेडीज हो आते जाते रहेंगी, तो उसके वजह से उनको टॉन्टिंग करना, ये करना, तो इसलिए ये वाइन शॉपी की वजह से हमारे प्रभाग में बहुत ही आगे भविष्य के अंदर में एक धोखादायक ये नगर पंचायत ने हमको डाला हुआ है, धोखा डाला हुआ है। तो हम नगर पंचायत को भी बोलते हैं कि भाई ये एनओसी दिए होंगे तो ये रद्द किया जाए, नहीं तो इसके ऊपर हम आंदोलन करेंगे अपने प्रभाग से, अर्जुनी मोरगांव के गरीब दरिद्र जो भी है, अरे जो सर्विस वाले लोग हैं वो तो ठीक है, उनका कोई ये नहीं, लेकिन गरीब लोग हैं उनके, और जो एजुकेटेड है वो घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो उनको कोई ना तकलीफ आगे ना हो, इसलिए हम इसके ऊपर आंदोलन खड़ा करेंगे। और नगर सेवकों की बोला है तो नगर सेवक उत्तर देने के लिए तैयार है नहीं, और जो अभी नोटिस लगा हुआ है मैंने उसकी फोटोकॉपी निकाला हूँ, 2 महीने हो गए उसको, लेकिन उसमें दिया हुआ है कि अर्जुनी मोरगांव जिला गोंदिया येथील वाइन शॉपी प्रभाग 12 वाइन शॉपी ये ट्रांसफ़र किया जाती है, इसके लिए किसी ने आक्षेप उठाना है तो 7 दिन के अंदर 16 तारीख तक आक्षेप लिया जाए। लेकिन मुझे यही नहीं समझ में आता सीईओ का कि जब लेटर टाइप किया गया है, वाइन शॉपी यहाँ अर्जुनी मोरगांव में थी नहीं, प्रभाग 12 में कहीं हैच नहीं, तो प्रभाग 12 की वाइन शॉपी यहाँ प्रभाग 2 में कैसी ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसका मतलब ऐसा कि ये गलती करने के लिए एक मन है कि पुराने लोगों की ये गलती के लिए 100 गलतियाँ करना पड़ता, यही कारण है वो कभी नोटिस किसी ने पढ़ा है तो उसका महत्व, उसका सेंटेंस जो है कि अर्जुनी मोरगांव जिला गोंदिया येथील प्रभाग 12 मधील माँ दुर्गा वाइन शॉपी अमुक अमुक जायस वाल की ट्रांसफ़र किया करने के लिए आक्षेप आ रहे है, तो किसी को आक्षेप होना, तो ये गोंदिया की वाइन शॉपी है कि अर्जुनी मोरगांव की वाइन शॉपी है। अच्छा, पहले यानी उसी में गलतफहमी निर्माण करके इन्होंने ये किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि सीईओ ने जो नोटिस लगाया हुआ है उसी में गलतफहमी है कि अर्जुनी मोरगांव की है कि गोंदिया की वाइन शॉपी यहाँ आ रही है। तो दूसरी तरफ से कोई भी दारू की दुकान, देसी दारू हो या ऐसे वाइन शॉपी आके अपने अर्जुनी मोरगांव के अंदर में ऐसा
सब यानी एक प्रकार का दारू का क्या बोलते हैं उसको, गढ़ बनाना चाहते हैं क्या? क्योंकि यहाँ लग के गढ़चिरौली जिला है, तो ये अच्छा नहीं है अर्जुनी मोरगांव तालुका के लिए, पर्सनल तालुका प्लेस के लिए। इतना शांत वातावरण है अर्जुनी मोरगांव का अभी तक का, लेकिन ऐसे दारू के ये गढ़ के वजह से यहाँ कहीं भी लाएंगा, कोई भी करेगा और कोई भी ट्रांसफ़र कराएगा और नगर पंचायत को एनओसी दे देंगी दारू के लिए, ये अच्छी बात नहीं है। इसको तुरंत नगर पंचायत ने हो या कलेक्टर ने हो, इसको ट्रांसफ़र लाइसेंस ट्रांसफ़र करने की अनुमति नहीं देना चाहिए और देने को नहीं होना, ये हमारी मांग है। हमारे साथ ये पूरे मामले में तुलसीकर जी ने काफ़ी अपना अच्छा योगदान दिया हुआ है, और उनके हिसाब से देखा जाए तो उनके प्रभाग में यह वाइन शॉप इनलीगली तौर पर दी जा रही है, नगर पंचायत के भी लोगों को पता नहीं है, ऐसा उन्होंने ही अपने इसमें बताया हुआ है। तो देखना यह है कि अब यह वाइन शॉप की जो इनलीगली प्रोसीजर है वो लीगली अमली जमा पहनाया जाता है उसे, या उसको रद्द किया जाता है। वैसे तो देखा जाए तो यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनका भी काफ़ी इस पूरे योजना पर आक्षेप है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सरकारी कर्मचारी अपने नौकरी की वजह से राजनीतिक गलियारों के लोगों के बीच में पड़ना नहीं चाहते, और इसी वजह से यह अंदरूनी तौर पर जो एनओसी देने का जो काम चल रहा है उसे तुलसीकर जी ने काफ़ी विराम लगाया हुआ है, और अभी कलेक्टर महोदय से भी हमारी एक निवेदन होगा कि भाई वो इस वाइन शॉपी का जो परवाना जो यहाँ दिया जा रहा है उसे रद्द कर दिया जाए, ऐसी इनकी और इन यहाँ के स्थानीय लोगों की भी मांग है। मैं कैमरामैन नीलेश पसीने के साथ निशांत भाई। जैसा आपने अभी देखा, इन्होंने तुलसीकर जी ने सारी जो हकीकत जमीनी हकीकत है वो बताई है। आखिर यह पूरे मामले में ग्राम पंचायत नगर पंचायत जो वहाँ की नगर पंचायत है उसके मेंबर्स है अध्यक्ष है ये सारे उस पूरे उसको जो एनओसी वगैरह देना है ये उसमें सारे लोग उसमें मिले हुए हैं। लगभग अगर एक तरफ दो जिलों को दारू को बैन कर दिया जाता है, वहां शराब बिक्री पर बंदी लगा दी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ इसी जिले के इसी शहर से उस जगह बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी की जा रही है। यानी कि अगर मान के चलिए कि यहाँ अगर लगभग आपका एक दिन का अगर 10 लाख रुपए की अगर दारू का अगर यहाँ कारोबार होगा, गोंदिया जिले में कारोबार होगा, तो महज गढ़चिरौली और चंद्रपुर जिले में यही दोनों जिलों को अगर मिलाकर देखा जाए तो 25 से 30 लाख रुपए की शराब इन जगह बिकी जाती है। अब ये जो शराब बेची जाती है वो कहाँ से आती है, तो वह ये इसी शहर के वाइन शॉप और बियर बार और देशी शराब की दुकानों से ही वहां सप्लाई की जाती है। और ये सारे मामले में मोरगांव अर्जुनी पुलिस विभाग, उसके बाद वर्षा तहसील के थानेदार, कुरखेड़ा के थानेदार और अन्य जगहों के थानेदार, यह लोगों की छत्र छाया में ही यह पूरा मामले को अंजाम दिया जा रहा है। लगभग यह पूरा मामला जो है शराब बिक्री का मामला है। अब यह जो दुकान है उस जगह जब वाइन शॉप आएगी तो यहां से बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी की जाएगी। अब देखना यह है कि यह शराब दुकान शुरू होती है या इसे भी ताला लगा दिया जाता है, क्योंकि यह दुकान एक बड़े पैमाने पर यहां से शराब तस्करी करेगी चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिले में। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें, बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। बेबी? हाँ? नहीं, मैगी? हाँ प्लीज। ऑसम मैगी। वेज आटा मैगी। आटा मैगी? तुम बताते नहीं तो पता नहीं चलता। हाँ कुछ बातें बता देनी चाहिए। रोड ट्रिप सॉन्ग्स ये क्यों? मैं गाऊंगी ना गोवा टू मुंबई, याद नहीं है वो कौन सा गाना था? याद है इसीलिए। बुरा गाते हो? बहुत बुरा। अपनों की कुछ बातें सरप्राइज कर जाती हैं, जैसे नई वेज आटा मैगी का ऑसम टेस्ट जिसमें है सुनहरे गेहूं की गुडनेस, रंग बिरंगी सब्जियां और 20 चुनिंदा मसाले। नई वेज आटा मैगी, कुछ अच्छा पकाएं, आओ मैगी बनाएं। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ।